ये वाल्मीकि चौराहा है, यहाँ से आप लोगों को इधर आना पड़ेगा। ये इधर देख पा रहे हैं, इधर साइड में आना है, ये रास्ता चलना है आपको। बस 100 कदम पे पड़ेगा आपका रेल भर्ती प्रकोष्ठ, जहाँ पे आपको अप्रेंटिस का डीबी करने आना है। ये देखो लड़के बैठे हैं डीबी कराने के लिए, खड़े हैं, एंट्री हो रही है। यहाँ से आप लोगों को कहीं नहीं जाना, बस स्टेशन की तरफ जाने के लिए ये वाले गेट में एंट्री करना है। डायरेक्ट सीधे एंट्री करके आप अंदर चले जाएंगे, इसी से आप प्लेटफार्म नंबर 6 पे पहुँच जाएंगे। इससे आप प्लेटफार्म नंबर 6 पे पहुँच जाएंगे आराम से। देखते हैं, ये मैंने एंट्री किया, इधर से आपको भी एंट्री करना है, करते आपको निकलना है। जो रास्ता दिख रहा है ना, इसी से आपको बाहर निकलना है। ये टर्न है, मोड़ है, इधर से मोड़ते हुए ये देखिए, सुनाई पड़ रहा होगा अलाउंस। इधर ही जस्ट में स्टेशन है प्लेटफार्म नंबर 6, इसी रास्ते से हमको जाना है। कहीं ऑटो ऑटो नहीं करना है आपको, कहीं पैसे नहीं देना है। अगर स्टेशन से आ रहे हैं आप तो बस 500 मीटर की दूरी पे है आपका रेल प्रकोष्ठ भर्ती वाल्मीकि चौराहा, जहाँ पे आपको आना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको इधर टर्न नहीं करना है। ठीक है, ये वाला रास्ता जो दिख रहा है जहाँ बाइक जा रही है, इधर ही इस वाले गेट से आपको एंट्री कर लेना है। इधर से निकल रहे है, यही रास्ता चलना है आपको। रास्ता ज़्यादा दूर नहीं चलना है, बस आपको 100 मीटर की दूरी चलनी है, स्टेशन आ जाएगी। चल रहे हैं हम, आप लोगों को हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं था वीडियो बनाने का, हमने सोचा आप लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसीलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि जो रेलवे स्टेशन से आए वो आराम से प्लेटफार्म नंबर 6 पे आ करके वो अपना डीबी करा ले आराम से, किसी को पैसे नहीं देने हैं। अगर इधर उधर भटकोगे तो 150 रुपये ले लेगा वहाँ पहुँचाने के आपको। ये देख लीजिए आप लोग, स्टेशन आ गई है, प्लेटफार्म दिखने लगा है, प्लेटफार्म नंबर 6 एंट्री गेट भी आ गया है। इधर ही मैदान से आपको जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, हम लोग एंट्री कर दिए हैं प्रयागराज जंक्शन पे। दिख रहा है ना, देख लो आराम से, प्रयागराज जंक्शन, यहीं आप लोगों को आना पड़ेगा। अब इधर ही से आके इस पे इधर ही से जाना पड़ेगा, इधर जहाँ लाइट वाला दिख रहा है इधर ही जाना है आपको, मंदिर दिख रहा है लाइट के पड़ोस में, इधर ही जाओगे बस जस्ट आ जाएगा आपका रेल प्रकोष्ठ भर्ती। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ प्लेटफार्म नंबर 6, आपको प्लेटफार्म नंबर 6 पे आना है और किसी को नहीं, किसी से भी पूछ लेना। प्लेटफार्म नंबर 1 पे आप आए हों, उतरे हों, या 2 पे, या 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, या 7 पे, प्लेटफार्म 8 पे, 9 पे, 10 पे, प्लेटफार्म नंबर 10 है। लेकिन यहाँ की ये सिचुएशन है कि प्लेटफार्म नंबर 6 है जो, उसको सभी नहीं ढूंढ पाते इतनी जल्दी, तो आप लोग किसी से पूछ लीजिएगा कि हमको प्लेटफार्म नंबर 6 पे जाना है, आप आराम से आ जाइए। मैं देख लीजिएगा, मैं यूज कर रहा हूँ ओवर ब्रिज का। अब प्लेटफार्म नंबर हम 1 पे जा रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग, प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इधर है, ये लास्ट ब्रिज है 6 नंबर पे आने के लिए। ये देखो लिखा है प्रयागराज जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 6, और वो जो दूसरा ब्रिज दिख रहा है वो प्लेटफार्म नंबर 6 पे नहीं आया है,
और इसके आगे देख पा रहे होंगे आप लोग, इस वाले ब्रिज के आगे वो पेड़ के पास में थोड़ा दिख रहा है दूसरा ब्रिज, तीन ब्रिज हैं, वो प्लेटफार्म नंबर 9-10 पे गया है। तो आप लोगों को आना है प्लेटफार्म नंबर 6 पे, ये वाला ब्रिज है प्लेटफार्म नंबर 6 पे आया है। इसके होते हुए आप ये प्लेटफार्म नंबर 1 से क्रॉस करोगे, पूछ लेना हमें प्लेटफार्म नंबर 6 पे जाना है, बस यही क्रॉस करके जस्ट 100 मीटर की दूरी पे आराम से आप डिग्री अपना करा लीजिए। ये प्लेटफार्म नंबर 3 एवं 2 एवं 1 पे गया है, प्लेटफार्म संख्या 4 एवं 5 है। अब मैं आ गया हूँ प्लेटफार्म संख्या 2 एवं 3, ये ओवर ब्रिज संख्या 2 एवं 3 के लिए जाने के लिए है। और मैं लास्ट स्टेज आ गया हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पे। ये देख लीजिए आप लोग, ये लिखा है प्लेटफार्म संख्या नंबर 1, इसी ब्रिज पे हम जाके प्लेटफार्म नंबर 1 पे हमें जाना है ना। दोस्तों मैं यहीं से अप्रेंटिस कर रहा हूँ प्रयागराज से, इसीलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, हमने सोचा आप लोग परेशान होंगे तो आप अपना आराम से डीबी कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हेल्प मिली हो, हेल्प इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोग आराम से अपना डीबी कराएँ। पार्सल वाले से मैं एंट्री करके बाहर निकलता हूँ दोस्तों। आराम से अपने रूम पे जा रहा हूँ, बाहर निकलते हुए फाइनली बाहर निकल आया हूँ। ये प्लेटफार्म नंबर 1 पे जाने के लिए रास्ता है और ये इधर खुसरू बाग जाने के लिए रास्ता है। और मैं फाइनली आ गया हूँ रोड पे, इधर से घूमते हुए हमको खुसरू बाग होते हुए जाना है। इस वाले रूट का यूज करूँगा, 100 मीटर चलना है बस। ये जो इधर बिल्डिंग दिख रही है खुसरो बाग की बिल्डिंग है, रूट यार इसलिए नहीं दिख रहा है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है सब खुसरो बाग की बिल्डिंग है, खुसरो बाग बहुत बड़ा पार्क है। दोस्तों मैं निकल रहा हूँ, ये खुसरो बाग है, खुसरो बाग एंट्री कर रहा हूँ। खुसरो बाग में सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, इधर देख लीजिए ये सब पार्क है, बहुत बड़ा बना है पार्क ये खुसरो बाग, इसमें यहाँ पे बना है इसका टेंपल। ये इधर सब बाग बगीचा है इसीलिए फेमस है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोग वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। मैं अभी आपको टेंपल दिखाऊंगा, जस्ट ये टेंपल बना है, अंदर सब लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल घूम सब रहे हैं। देखिए ये सब लोग अंदर हैं, ये दूसरा बना है टेंपल, ये पार्क है इसके अंदर भी बहुत बड़ा अच्छा खासा है। ये सब बागवानी है और इसके अंदर पौधे हैं VIP, यहाँ से फूल वगैरह अमरूद आम सब के पेड़ मिलते हैं। ये देखो इधर सब लोग घूम रहे हैं। वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।